नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बीस। जी हाँ दोस्तों, लगातार पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, तो ऐसे में आज भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। इसी के साथ में कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने भी सोने और चांदी को लेकर बड़ी अच्छी खबर दी है। जानेंगे पूरी खबर के बारे में, लेकिन इससे पहले आप सभी से छोटा सा प्यारा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बीस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर रोजाना सोने और चांदी के साथ ही काम की बड़ी खबरें देते हैं, और आपका प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो सोना अपने उच्चतम स्तर से काफी गिर चुका है। सोना 59,000 से गिर कर 50,000 के दायरे में आ चुका है, और इसमें और भी गिरावट देखी जा रही है। हाल ही के दिनों में सोने के भाव 48,000 रुपए तक भी पहुंच चुकी है। वही देश के कुछ कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि महामारी की वजह से शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। समय बीतने के साथ साथ शेयर बाजार उस तगड़ी गिरावट से लगातार उबरते जा रहा है। वही कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि सोने में गिरावट की एक बड़ी वजह पिछले 2 महीनों में रुपए में आई मजबूती है। अभी रुपया 73 से 74 रुपए प्रति डॉलर तक मजबूत हो चुका है, यानी कि अगर रुपए में और भी मजबूती आती है तो सोने की कीमतों में गिरावट देखी जाएगी। लेकिन अगर डॉलर में मजबूती देखी जाती है तो सोना फिर से उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि डॉलर मजबूत होता है तो सोने में लॉन्ग टर्म में फिर से मजबूती देखने को मिलेगी। डॉलर का फिर से मजबूत होना लगभग तय है, यानी कि सोना अगले साल तक 60 से 70 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। लेकिन पिछले 2 से 3 महीने के अंदर सोने और चांदी की कीमतों में काफी बड़ी उतार चढ़ाव देखी जा सकती है, ऐसे में सोना सस्ता भी हो सकता है। वही सस्ते सोने की बात करें तो भारत के कुछ शहर है जहां पर सोना काफी सस्ता है, जैसे कि मुंबई में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 50,430 रुपए, तो वहीं पुणे में 50,430 रुपए। वही राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट सोने का भाव 53,360 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी के भाव में 1400 रुपए तक की गिरावट देखी गई है, जिसके बाद चांदी का भाव फिर से 60,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में अगर आप भी सोने और चांदी की खबरों से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत ही गोल्डन बीस को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।